हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। स्वागत है गाइस एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अफोर्डेबल कार्स के बारे में जो आपके बजट में तो आएंगी बट सेफ भी हैं। इंडिया में जो है वो सेफर कार्स फॉर इंडिया कैंपेन चल रहा है एंड ग्लोबल एनकैप जो है वो काफी प्रमोट कर रही है सेफर कार्स फॉर इंडिया। एंड आप अक्सर जो है वो और तीसरे चौथे महीने किसी ना किसी गाड़ी को जो है वो रैंक होते हुए देखते हो। 2014 से अभी तक काफी टाइम हो चुका है ऑलरेडी, और 2014 से अभी तक 50 गाड़ियों का जो है वो माइलस्टोन यहां पर अचीव कर लिया है जीएनएपी ग्लोबल एनकैप ने, और काफी हद तक जो है वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा सा सताया है क्योंकि इस बार ऑडियंस जो है वो कैंपेन्स के बदौलत अपने डिसीजन ले रही है। इन कैंपेन्स का मूल्यांकन तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जर्नलिस्ट करते हैं, बट हाँ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो वॉलंटरी बेसिस पे भी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर भेजते हैं ग्लोबल एनकैप में। ज़्यादातर आप ग्लोबल एनकैप में जो है वो छोटे वेरिएंट्स को से ही स्टार्ट होते हुए देखते हो, छोटे वेरिएंट्स को ही जो है वो यहाँ पर सेफ्टी रेटिंग्स पाते हुए देखते हो। क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटे वेरिएंट्स मोस्ट अफोर्डेबल वन है, एंड जैसे जैसे उनके वेरिएंट्स अपर क्लास में जाएंगे और ज़्यादा सेफ होते हुए चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जानते हैं कि कौन कौन सी बेस्ट गाड़ियाँ आपके लिए, और इनमें हम 10 कार्स रखेंगे, इनमें चाहे वो हैचबैक हो, चाहे सेडान हो, या फिर हो कॉम्पैक्ट एसयूवीज। स्टार्ट करते हैं गाइस विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम। और आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अगर आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हो तो आप अपनी स्टोरीज, अपनी गाड़ी से रिलेटेड एक्सपीरियंस, आपका कौन से प्रोडक्ट है हम लोग यहाँ पर कवर करना चाहेंगे और आपके पास में आएंगे और शूट करेंगे पूरा सेशन, तो आप अपनी डिटेल्स नीचे शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। चलिए गाइस सबसे पहले नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। ये है रेनो की काइगर। ग्लोबल एनकैप की अगर बात करें तो इसने 4-स्टार रेटिंग ली थी आउट ऑफ 17। अगर एडल्ट रेटिंग की बात करें तो 12.3 रेटिंग जो है वो यहाँ पर लेके आई, एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में काफ़ी कम परफॉर्मेंस दी, 2-स्टार रेटिंग के साथ में चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में आई थी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बेस वेरिएंट की, तो काइगर के बेस वेरिएंट में बताया गया कि बॉडी शेल इंटीग्रिटी वाज अनस्टेबल, इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग फर्दर लोड, और फुटवेल वाला जो एरिया था वो जरूर गुड कंडीशन में आया, ग्रीन कैटेगरी में जरूर आया। बेस वेरिएंट में क्या क्या ऑफर करती है? ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, हायर वेरिएंट्स गेट 4 एयरबैग्स। सो कॉम्पैक्ट SUVs में जो है वो ये पहली ऐसी SUV थी जो अपने छोटे वेरिएंट से ही 4 एयरबैग्स देने लगी थी। निसान मैग्नाइट जो है वो 4 एयरबैग्स के साथ में नहीं आती थी, बट काइगर हैज एन एडवांटेज ओवर इट। सो यस, दिस इज एन ऑप्शन और आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सो यस, ये गाड़ी जो है वो एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी के अंदर भी आती है, आप इसको खरीद सकते हो क्योंकि ये ज्यादा सेफ भी है कंपैरेटिव अदर कार्स। बाय द वे इसकी जो प्राइस है वो 5.84 लाख रुपीज फिलहाल है, जब ये लॉन्च हुई थी 5.5 के आसपास लॉन्च हुई थी, 30-31 हज़ार रुपए का जो है वो यहाँ पर अंतर आया इसके प्राइसिंग में। चलिए दोस्तों होम ग्रोन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ये विटारा ब्रेजा के बारे में बात कर रहा हूँ। 4-स्टार रेटिंग के साथ में आई थी 2016 में जब ये लॉन्च हुई थी, तो केवल डीजल इंजन ऑप्शन के साथ में आई थी। और इसकी अगर रेटिंग की बात करूँ तो 2018 में इसने 4-स्टार एडल्ट ऑक्यूपेंसी में रेट किए थे 12.51 मार्क्स आउट ऑफ 17, विच इज अ गुड नंबर आई गेस। गाइस इस गाड़ी की अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो ड्राइवर एंड पैसेंजर के हेड एंड नेक वाला एरिया जो है वो काफी गुड था, और बॉडी शेल इंटीग्रेटेड वाज रेटेड एज स्टेबल, कैपेबिलिटी ऑफ विदस्टैंडिंग फर्दर लोडिंग्स। चिल्ड्रन ऑक्यूपेंसी में ये 2-स्टार रेटिंग ही लेके आ पाई। दोस्तों अगर हम बात करें इसके डीजल वेरिएंट की, तो ये 4-स्टार रेटिंग डीजल इंजन ऑप्शन के साथ में लेके आई थी। हो सकता है कि पेट्रोल के साथ में थोड़ी ऊपर नीचे जो है वो इसकी रेटिंग्स जाए, यू नेवर नो, बिकॉज पेट्रोल के साथ में इसको रेट नहीं किया गया है, चेक नहीं किया गया है। गाइस ये जो कार है अभी 7.84 लाख रुपीज एक शोरूम कॉस्ट कर रही है अपने बेस वेरियंट से। दोस्तों बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ, और यहाँ पर जो है वो टाटा अपनी टिगोर एंड टियागो इन दोनों ही गाड़ियों के साथ में आई थी। दोस्तों टिगोर जो है वो टेस्ट की गई थी और वो 4-स्टार रेटिंग के साथ में आई थी। टाटा के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबल एनकैप की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपने केवल सफारी हैरियर को छोड़ के लगभग सारे प्रोडक्ट्स उनके जो है वो ग्लोबल एनकैप में चेक हुए, जिनमें से टियागो टिगोर है और उनमें से एल्ट्रोज हैं एंड साथ ही साथ नेक्सॉन और पंच भी है। तो इट इज़ द ओनली मैन्युफैक्चरर जिसने अपने ब्रांड को जो है वो इस तरीके से फोकस किया है कि वो सेफ्टी के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस रहे, लोगों के दिमाग में सेफ्टी जो है वो ज़्यादा चढ़े। और एंड टाटा का सेल आउट होने का सबसे मेजर रीज़न यही भी रहा है क्योंकि उसके ज़्यादातर पोर्टफोलियो में जितने भी प्रोडक्ट्स आए वो ग्लोबल एनकैप में 4 या 5-स्टार रेटिंग अचीव कर चुके हैं। गाइस अगर एडल्ट ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 12.52 पॉइंट्स जो है वो 17 में से गेन किए, विच आई बिलीव इज अ गुड नंबर। फुटवेल एरिया और नेक वाला जो एरिया वो काफ़ी गुड
मार्क्स ये अचीव कर पाया। और अगर मैं बात करूँ चाइल्ड ऑक्यूपेंसी की, तो 3-स्टार रेटिंग के साथ में ये गाड़ी आई है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये अब CNG वेरिएंट में भी उपलब्ध है। डीजल से जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि वो जो डीजल इंजन 1.0 लीटर का आया करता था, वो डीजलाइजेशन जो है वो बंद कर दिया था टाटा ने। रीजन बीइंग BS6 में वो अपग्रेड में काफ़ी कॉस्ट मांग रहा था। दोस्तों टियागो जो है वो 5.27 लाख रुपीज एक्स शोरूम में आती है, और टिगोर 5.88 लाख रुपीज में आती है, एंड इसका टॉप ऑफ द लाइन वॉरियंट जो है वो 12.24 लाख रुपीज में आता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओनली कार जो CNG में, EV में एंड पेट्रोल पावर टेरेन के साथ में आती है। दोस्तों क्योंकि विटारा ब्रेजा जो है वो डीजल में, आपने देखा था कि उसको टेस्ट किया गया था। ऑन द अदर एंड टोयोटा का जो प्रोडक्ट है वो एक जॉइंट वेंचर का प्रोडक्ट है, उसका नाम है अर्बन क्रूजर। तो अर्बन क्रूजर जो है वो ज्यादा बेटर सेफ्टी रेटिंग्स लेके आया है, 4-स्टार रेटिंग के साथ में 13.52 सेफ्टी रेटिंग्स उसने अचीव करी आउट ऑफ 17। बॉडी शेल इंटीग्रिटी जो है वो स्टेबल यहाँ पर कैप्चर हो पाई, और इट इज कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग फर्दर लोड्स गाइस। अगर हम बात करें ड्राइवर की नीज एंड पैसेंजर की राइट नी, इट कैन एक्चुअली टेक मोर इम्पैक्ट, एंड स्ट्रक्चर बिहाइंड द डैशबोर्ड ऑल्सो। चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में जरूर उसने 3 रेटिंग्स जो है वो यहाँ पर अचीव की है। अगर हम बात करें अर्बन क्रूजर की, तो ये पेट्रोल वर्जन में ही आती है, डीजल वर्जन में आती नहीं थी। 8.5 लाख रुपीज़ जो है वो एक्स शोरूम फिलहाल ये कॉस्ट करती है, एंड इट कैन एक्चुअली बी अ गुड बाय फॉर दोज जो विटारा ब्रेजा अगर कंसिडर कर रहे हैं, और उसके अबव जो है वो इसको ले सकते हैं, क्योंकि 4-5 एडवांटेज यहाँ पर टोयोटा की जो सर्विस में है वो उनको मिलता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं गाइस होंडा के जैज प्रोडक्ट की। हालांकि जैज जो है वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है, एंड ज़्यादातर जो है वो अब सेल आउट नहीं होती है। तकरीबन 150 से 200 यूनिट जो है वो होंडा फिलहाल उसको बेच पा रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसकी बॉडी शेल इंटीग्रिटी की या इसकी सेफ्टी रेटिंग्स की, तो 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ में ये जो है वो आती है। 13.89 पॉइंट्स आउट ऑफ 17 ये अचीव कर पाई एडल्ट ऑक्यूपेंसी में, एंड जैज का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्टेबल रहा है। इट कैन एक्चुअली विदस्टैंड फर्दर लोडिंग और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जो है वो सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर भी जो है वो दे दिए जाते हैं। द रेटिंग्स मेक द जैज करेंटली द सेकेंड हाइएस्ट रेटेड हैचबैक, क्योंकि इसके अलावा अगर आप देखें तो एल्ट्रोज के अंदर 5-स्टार रेटिंग आती है। और प्राइसिंग की बात की जाए तो 7.77 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम ही कॉस्ट करती है। और दोस्तों दोबारा से यहाँ पर नाम शामिल हो जाता है टाटा नेक्सॉन का। जो टाटा नेक्सॉन पुराने वाली जनरेशन, पुराने वाली या प्री फेसलिफ्ट जनरेशन जो है वो लॉन्च हुई थी, तब उसको 4-स्टार रेटिंग आए थे, लेकिन दोबारा जब उसका टेस्ट रेटिंग की गई तो 5-स्टार रेटिंग के साथ में वो आई थी। हालांकि अगर मैं बात करूं यहां पर तो 16.06 पॉइंट्स इसको मिले थे एडल्ट ऑक्यूपेंसी आउट ऑफ 17, और 3-स्टार रेटिंग जो है वो चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में मिले थे, यानी कि 25 पॉइंट्स आउट ऑफ 49 पॉइंट्स। ये गाड़ी जो है वो फिलहाल 7.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम में कॉस्ट करती है। 2 एयरबैग्स आते हैं, ABS आइसोफिक्स टेक्नोलॉजी पे जो है वो यहाँ पर आती है। टाटा नेक्सॉन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट SUV, और ये अब हर महीने 12-13 हज़ार यूनिट्स कर रही है, विच इज़ अ ग्रेट नंबर, और ये एक्चुअली सरपास कर देती है Hyundai की क्रेटा को। बात करते हैं टाटा एल्ट्रोज की। ये 5.5-स्टार रेटेड गाड़ी है, और जब ये लॉन्च हुई थी दोस्तों उससे एक हफ्ते पहले ही इसकी जो है वो सेफ्टी रेटिंग्स आ गई थी। अमेजिंग कार बाय डिज़ाइन, एंड बात करें यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स की, तो ABS VDBD, रियर एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर सीट बेल्ट है, रिमाइंडर, आइसोफिक्स, चाइल्ड सीट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बेस वेरिएंट से ही गाइस मिल जाती है। आउट ऑफ 17 16.13 जो है वो एडल्ट प्रोटेक्शन यहाँ पर जो है वो सेफ्टी रेटिंग लेके आ पाई। अगर हम इसके दोस्तों प्राइसेस की बात करें तो 6 लाख एक्स शोरूम ये जो है वो ऑलमोस्ट कॉस्ट कर रही है फिलहाल, अगर हम बेस वेरिएंट की बात करें। गाइस बात करते हैं महिंद्रा XUV 300 के बारे में। ये 5-स्टार रेटेड गाड़ी है, एंड कम्पैक्ट SUV में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफ्टी रेटेड कार एवर, और अक्सर जो है वो कैंपेन्स आप देखते हो सेफ्टी रेटिंग्स को लेके महिंद्रा चलाती है, एंड अपने XUV 300 प्रोडक्ट के पीछे लिखती है यू आर फॉलोइंग द सेफेस्ट SUV ऑफ इंडिया, ऐसे करके जो है वो उनका कैंपेन चलता है। 16.42 पॉइंट जो है वो आउट ऑफ 17 एडल्ट ऑक्यूपेंसी में रखती है, काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में भी दोस्तों ये 4-स्टार रेटिंग के साथ में आती है। हेड नेक एंड नी प्रोटेक्शन में जो है वो ऑक्यूपेंट्स का और एडल्ट्स का दोनों का ही काफ़ी गुड रहा है, वाइल चेस्ट प्रोटेक्शन फॉर द फ्रंट पैसेंजर वॉज ऑल्सो गुड, इट वॉज रेटेड एडिक्वेट फॉर द ड्राइवर, और काफ़ी अच्छे जो है वो यहाँ पे रैंकिंग लेके आई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर XUV 300 के मॉडल की, तो 8.41 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम ही कॉस्ट कर रहा है अपने बेस वेरियंट से।
और गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करते हैं टाटा पंच की। इट इज द लेटेस्ट एंट्री और काफी लोगों ने जो है वो टाटा पंच को अप्रिशिएट किया है, नॉट बिकॉज वो 5-star रेटिंग लेके आई है, फॉर द डिजाइन काइंड ऑफ कंसेप्ट टाटा हैज एक्चुअली मेड फॉर दिस यूनिक कार और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। मिनी एसयूवी के नाम पे जो है वो, ये माइक्रो एसयूवी के नाम पे जो है वो टाटा ने इसको लॉन्च किया था। 5-star सेफ्टी रेटिंग के साथ में 4-star रेटिंग जो है वो चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में रखती है एंड 16.45 पॉइंट्स आउट ऑफ 17 ये एडल्ट ऑक्यूपेंसी में रखती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेगुलर वेरिएंट की, यानी ये बेस वेरिएंट की, तो ये बीएस विद ईबीडी, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसी फीचर्स आपको सेफ्टी के तौर पर मिलते हैं। अगेन अगर मैं बात करूँ तो 5.73 लाख रुपीज एक्स शोरूम ये गाइस कॉस्ट करती है। ये कॉस्ट करती है टाटा टियागो से ज्यादा एंड एल्ट्रोज से कम, टिगोर से भी कम आप इसकी कॉस्टिंग देखेंगे। 5.73 लाख रुपीज में इट इज अ गुड बाय। इसका बेस वेरियंट के ऊपर लंबी लंबी जो है वो वेटिंग पीरियड फिलहाल अवेलेबल है एंड द बेस्ट पार्ट इज बेस वेरियंट जो है वो दो कलर ऑप्शन के साथ में आती है, ग्रे जो लिटरली काफी अच्छा है एंड वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कलर है टाटा पंच का। सो ये तो थी कुछ सेफ्टी रेटेड गार्ड्स जो आप 10 लाख के अंदर खरीद सकते हैं। ये 10 गाड़ियां मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। मुझे लगता है कि इनमें से ऑलमोस्ट 7-8 कार्स ऐसी हैं जो लिटरली लोगों को काफ़ी पसंद आती है, कुछ गाड़ियों को छोड़ के। इनमें से होंडा की जैज है, एक दो कार हैं जो एक्चुअली आउटडेटेड फिलहाल हो चुकी है, बट सेफ्टी रेटिंग्स के नाम पर These cars are doing wonders और आने वाले टाइम पे obviously mileage will not be getting sold more जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप सेफ्टी को यहाँ पर प्रमोट होते हुए देखोगे। ऐसे में ये गाड़ियाँ जो है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है जो सेफ्टी भी चाहिए और उनको एक वॉलेट फ्रेंडली पैकेज भी चाहिए किसी गाड़ी में। आप अपने दोस्तों के साथ में इस प्रोडक्ट को ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता था कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो काफ़ी दिन से जो है मैंने नोट डाउन किया हुआ था। मिलते हैं गाइस एक और नए वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखो, सुरक्षित चलो, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाओ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।